नमस्कार। जन्मविधि लीला सारि श्रीमंदिर को फेरबार यात्रा आरंभ कर सारी चतुर्धा मूर्ति मानवीय लीलार विशेष पर्व लक्ष्मीनारायण कली और शेषे श्रीजगन्नाथ रसगोला दे माँ लक्ष्मी ठाकुराणी मन जीणिला श्रीमंदिर को विजे करे। भाई भौणी को नहीं बाहुड़ा बेले महाप्रभु मौसी हाथर प्रिय पोड़पिठा तो खाई था या सहित पवित्र बाहुड़ा यात्रा समय रे महाप्रभु श्रीमंदिर फेरवा बाटे लक्ष्मीनारायण भेट अनुषित होता है। जितेबले नंदीघोष रथ श्री नौर निकट में पहुँचे तापर माँ लक्ष्मी श्रीमंदिर विमान विजे करती गजपति महाराज महाप्रभु और माँ लक्ष्मी कली मध्य मध्यस्थता करी और लक्ष्मीनारायण भेट कराई था। परंपरा अनुजाई एकादशी दिन ठाकुर मानकर सुनावेश द्वादशी से अधरपणा और त्रयोदशी तिथि नीलाद्रि विजय होता है। श्रीमंदिर नीलाद्रि विजय उत्सव नीति में श्रीजगन्नाथ महाप्रभु पक्षर माँ लक्ष्मी ठाकुराणी को रसगोला भोग नैवेद्य होता है। अमणी यहाँ परीक्षा भितरछ महापात्र अत्यंत सुधपूत भाव में निज घरे एक स्वतंत्र चूली रे रसगोला प्रस्तुत करी तापरे महाप्रभु पक्षर माँ लक्ष्मी पाखे यह भोग लगी करा जाए था। नीलाद्री विजय दिन महाप्रभु पहंडी विजय करी चार ऊपर को आसिले लक्ष्मी ठाकुराणी भेट मंडप को आसी था। उभय जगन्नाथ और लक्ष्मी परस्पर को भेट होती लक्ष्मी तरफ भितर छप बंदापना नीति बढ़ाई था। यह समय परंपरा अनुजाई महाप्रभु सिंहद्वार निकट में पहुँचला बेले सामयिक भाव द्वार बंद कर दि जाए कि क्षण पर द्वार पुणी अथरे खोले। से ही दिन रुक्मणी विवाह कालर जो गईठा बंधाई थाए ताकू फिटा जाए तापर बंदापना है माँ का उद्देश्य रसगोला भोग दि जाए था। तेणु यह को मानभंजन रसगोला एही दिन माने नीलाद्री विजय दिन श्रीमंदिर स्वतंत्र भाव में रसगोला भोग लगी करा जाए जहाँकि भितर छ महापात्र द्वारा सुधपूत भाव प्रस्तुत करा जाए। आज मुझे से नीलाद्री विजय लगी होता रसगोला तैयारी करके देखेबी। से देखु मुझे गोटे लिटर क्षीर छेना नहीं जाइए आपण मानक छेना करके देखनी साधारणत आम जमी घर छेना छिड़े थो ठीक से ही भाई आपण मैंने करदे क्षीर में टी लेबू रस और पा दे कि फुटेदेला थंडा पा धोई देक भल भाव चिपुड़ी देवे। मोर ये गोटे कप पखापाखी छेना है मुझे नहीं सहित रसगोला तैयारी समय से मैंने खुआ मंडार व्यवहार करता मुझे गोटे चमच खुआ को से देपर एवं नहीं खुआ और छेना को पूरा भल भाव चकटी दबा। एभली भाव में हाथ में प्रथम चकटी देवे तापर पापुली साहजरे पूरा घसी घसी के याकु भल भाव चकटी जमीती एटा पूरा चिकन हो छेना जिते चिकन हम रसगोला से भल भाव नरम हम यही भाव में पखापाखि 10-12 मिनिट पर्यंत याकु भल भाव घसी देवे। यही भाव में किसी समय चकटिला देखिए हाथ में टिके घी भाया लगुव एवं आम चकटा पूरा चिकन हो जाए थाली लगुनी या पर मु सिरा को बसई दौर सिरा करने गोटे कप चीनी रे 3 कप पानी एवं किसी अलीच गुंड को देकी या फुटवा रखिदेपर आम जो छेना को चकटिकी रखिथिलु से छोट छोट गोला गुड़िक करनवा आपण मैंने निज इच्छा अनुसार छोट कि बड़ आकार गोला करे। यही भाव में देखिए जमा भी जमी फाट हो नल भाव चकटी थे जमा भी फाट आसवनी देखिपे ये गोला करदेलापर जितेबाला पा पूरा फुटी आसबले जो छेनार गोला गुड़िक फुटुवा शिवे देद शिराटा पूरा पतला हम ये पतला शिवे फुटी फुटिकी ही रसगोला धीरे धीरे हम चूलीर आंच को अधिक रखिकी 5-7 मिनिट पर या प्रथम फुटे नवा तापर चूलीर आंच को मीडियम रे रखिकी पुणी आउ थे 5-7 मिनिट पर रसगोला गुड़ी को फुटवा रखिदबा। एवं देखिपे रसगोला हमर धीरे धीरे हो आसा भल भाव फुटुची जमा फिटनी शिरा मध्य टिके बहलिया हवा को लगे। वर्तमान मु आउ गोटे जगार गोटे कप पा को टिके गरम कर देखिपे गोटे पटे रसगोला फुटुची आउ गोटे पटे मो पानी को बसे देछि गरम होबापई पानी जेतेबेले गरम हे आसीबो सेतेबेले चुली को बंद कर दबा। पानी को बेसी फुटेबा दरकार नै टिके फुटो आसी गला माने आमे खाली गरम पानी करिकि ही याकु रखि दबा।
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରସଗୋଲା ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏବେ ଏ ଯେଉଁ ଗରମ ପାଣି କରିଥିଲୁ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରସଗୋଲାକୁ ମୁଁ ଚଟୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ଶିରା ସହିତ ନେଇକି ସେଇ ଗରମ ପାଣିରେ ଦେଇଦେଉଛି। ପୁରା ଶିରାରେ ରସଗୋଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ରଖିଦେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ସହିତ ସେଇଟା ଟିକିଏ ଟାଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅଳ୍ପ ଗରମ ପାଣି ସହିତ ଟିକିଏ ଶିରା ଦେଇକି ରଖିଲେ ୟାର ଆକାର ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ସେମିତି ହୋଇକି ରହିବ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ପ୍ରଥମରୁ ଯେମିତି ଥିଲା ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହୋଇକି ରହିଛି ଆଉ ବେଶ୍ ନରମ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଭିତରଛ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଦିନ ରସଗୋଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରୋଷଘରେ ଏହି ରସଗୋଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଦିନ ଏହି ରସଗୋଲାକୁ ଦେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମାନଭଞ୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ମା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଦନ ମୋହନ ଦେଇ କ୍ଷୀର ମୋହନ ମୋହି ନେଇଥିଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥାଏ ତାର ଉପସ୍ଥାନ, ବାଲ୍ୟଠୁ ବୃଦ୍ଧ ସବିହିଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ। ଅଭୀଷ୍ଟ ଅମୃତ ଅପୂର୍ବ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ନୁହେଁ ସେ ଆମରି ସନମାନ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ମୋହନ। ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମିଷ୍ଟାନ୍ନକୁ ଦେଇ ମହାପ୍ରଭୁ କରିଥାନ୍ତି ମାଙ୍କର ମାନଭଞ୍ଜନ।